हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका दीप होम्स के चैनल पे। और हम खड़े हैं जगतपुरा में एक 4 BHK की प्रॉपर्टी पर की विजिट करवाने के लिए। मैंने इससे पहले अगर आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 3 BHK की एक मैंने आप विजिट करवाई थी, ठीक उसी में मैंने आपको बताया था कि अगला भाग जो है 4 BHK का विजिट करवाऊंगा, और उसी विजिट को जो है करवाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि अगर इस प्रॉपर्टी की एलिवेशन या लोकेशन हम देखेंगे तो लोकेशन जो जगतपुरा से डी मार्ट 1200 मीटर और डी मार्ट के बिल्कुल ठीक पीछे ये प्रॉपर्टी है। और ज़्यादा इसके आसपास की जानकारी के लिए हमने पहले जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके लिंक से आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं हम 3 BHK की, मैंने जो विजिट करवाई थी उसके बाद में हम चल रहे हैं 4 BHK की फ्लैट की तरफ। और जो 4 BHK है ये एक फ्लोर पे एक 4 BHK है, बाकी यूनिट्स जो हैं वो 3 BHK फ्लैट्स की हैं। ये शानदार सा एंट्रेंस है। ऑलमोस्ट इस गैलरी की अगर डेप्थ देखें तो आपके 7-7.5 फीट की तक की ये गैलरी है। और ये एंटर करते ही आपका आ जाता है लिविंग कम डाइनिंग हॉल। और एक बार फिर से वही, मतलब जो आपके 3 BHK की जो आप देख रहे थे उसी प्रकार की ये थोड़ा सा आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। 3 BHK जो हमने फ्लैट देखा था उसकी साइज़ हमने 1400 स्क्वायर फीट देखी थी, और जो ये 4 BHK जो फ्लैट है जो जिसमें हम खड़े हैं इसकी साइज़ जो है आपको 1650 वर्ग फीट मिलने वाली है। एक बार देख लीजिए आप, फोर सीलिंग का वर्क देखिए इस फ्लैट्स में। मैंने एक चीज़ बहुत ही गजब वाली देखी है, फोर सीलिंग और इसका जो लाइटिंग का कलर कॉम्बिनेशन और जो आपका वॉलपेपर है ये डिजाइनिंग बहुत बढ़िया। इधर देखिए आप, ये जो वुडन वर्क है उसके अंदर जो वॉलपेपर का काम किया गया है इसे देखिए ज़रा थोड़ा सा बारीकी से, बहुत शानदार ऐसे लगता है जैसे मतलब ये वॉलपेपर है नहीं, ऐसे कोई हाथ कारीगर का जो बनाया हुआ स्क्रेचर है ना वैसा सा महसूस होता है। इधर देखेंगे LED पैनल है, LED पैनल बहुत शानदार है। LED पैनल को पीछे से जो है वो कवर किया गया है आपके वॉलपेपर से, खूबसूरत ये बनाया हुआ है, खूबसूरत सरमाइका का प्रयोग किया गया है। नीचे आपको इसमें 2 ड्रॉअर मिल जाते हैं, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इधर हम आगे बढ़ेंगे, फ़ैन आपको जो है वो ब्रांडेड कंपनी के मिलेंगे, क्रम्पटन जो है उसके फ़ैन मिलने वाले हैं। और सबसे पहले जाता है आपका ओपन मॉड्यूलर किचन, जिसमें आपको ग्लेन की चिमनी मिलने वाली है। और ये जो टॉप है ये टॉप आपको ग्रेनाइट का मिलने वाला है, और इसके ऊपर जो टाइल वर्क है वो टाइल वर्क की डिज़ाइन भी आप देखेंगे, कलर इतना सोबर कलर है, कोई तड़कीला भड़कीला कलर नहीं है। और इसमें आपको ये अच्छे वाली अच्छी डेप्थ के साथ में आपको फर्नीचर का वर्क मिलेगा। नीचे आपको जो है वो ट्रॉलीज लगी मिलेंगी जिसमें कटलरी वगैरह सब लगी हुई हैं। वॉश बेसिन आ गया, ये आपका मिक्सर है, आपको सैनिटरी की फिटिंग जो है वो आपको जगुआर की मिलने वाली है। इधर बात करेंगे, इसके पास में ये वॉश बेसिन एरिया आ जाता है। वॉश बेसिन एरिया में बहुत सा लंबा सा अच्छी स्पेस वाला और अच्छी विड्थ और अच्छी लेंथ के साथ में ये मिरर आ जाता है, और मिरर के ऊपर लाइट पॉइंट भी दिया गया है। और इधर से हम घुसते हैं पहले बेडरूम की तरफ। बेडरूम में घुसने से पहले अगर आप देखेंगे तो लिविंग रूम से टच्ड जो है वो आपको बड़ी स्पेस में एक आपको बाथरूम मिलता है। ये बाथरूम जो है वो एक तरह से कॉमन रहने वाला है, आप लिविंग एरिया की तरफ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो एक इधर रूम है इस रूम से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले आपको ये रूम ही दिखा देता हूँ। इस रूम में आएंगे तो ये लिविंग रूम से कनेक्टेड है, और लिविंग रूम से ये आपका अटैच लेट बाथ के रूप में यूज हो जाएगा, और ये आ गई आपकी इसके अंदर बालकनी। बालकनी एरिया जो है वो ऑलमोस्ट आपके ये 4x8-8.5 फीट की लेंथ में ये पार्क आपका बालकनी एरिया रहने वाला है। बहुत अच्छी, देखो जैसे मैंने आपको एलिवेशन में बताया था कि इसके पीछे की तरफ जो 40 फीट रोड है, ये पीछे की तरफ 40 फीट रोड है, और फिर ये साइड बैग्स वगैरह पीछे छूटने की वजह से काफ़ी लंबा स्पेस मिल जाता है। अगर बाय द वे अगर इस यहाँ कोई हाई राइज बिल्डिंग भी बनती है ना तो वेंटिलेशन कभी भी इसका कम नहीं होने वाला, शानदार वाली हवा आ रही है। इतनी खूबसूरत
इतनी साफ और स्वच्छ हवा मिलने से रही भाई, सिटी में ऐसा मिलने किसी बिल्डिंग में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब इसके अंदर देखिए, इस रूम में ये वार्डरोब, ऐसी जगह वार्डरोब है कि रूम का स्पेस कम नहीं हुआ भाई, और वार्डरोब भी ऐसे हैं मतलब क्या इन्होंने किस तरीके से बनाया, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे क्या किस तरह से जगह यूटिलाइज़ की है, बहुत शानदार जगह से यूटिलाइज़ की है, अच्छे तरीके से बनी हुई है, और पता भी नहीं चलता है कि यहाँ वार्डरोब भी है। आप इधर देखो, आपको रूम में कहीं भी वार्डरोब नज़र नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वार्डरोब डाल दे तो कम जो है रूम का स्पेस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइड में अच्छे तरीके से फर्निश किया गया है इसको, वॉलपेपर आप देख ही रहे हैं, रूम का वॉलपेपर तो ज़बरदस्त ही रह रहे हैं भाई इस बिल्डिंग के। आगे हम रूम में जाएंगे, इसके बिल्कुल बगल में रूम है। इस रूम में एक बार फिर वॉलपेपर और बहुत गजब फॉर सेलिंग, वही मैं आपको बता रहा था कि गजब लाइटिंग वगैरह का बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। ये वॉलपेपर देखिए, बिल्कुल ठीक ठीक वॉलपेपर। मैंने आपको ये 3BHK में भी दिखाया था, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप देखेंगे इस प्रकार की पेंटिंग जो पुराने समय में बिहार में जिस पेंटिंग की जाती थी, जिसको मधुबनी पेंटिंग बोलते थे, बहुत फेमस वर्ल्ड फेमस पेंटिंग हुआ करती थी इस प्रकार की। और इसी में हम जाएंगे तो ये बिल्कुल अटैच लेट बाथ है, आपको अच्छे वाली सैनिटरी का यूज़ मिलेगा, टाइल्स वर्क बहुत शानदार है, जगवार की फिटिंग मिलेगी। भाई ये प्रॉपर्टी तो जो है वो अगर देख लेंगे आप में से कोई भी, तो अगर ना भी लेना चाहे ना तो आप मन बना लेंगे कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि दम है भाई इस प्रॉपर्टी में, बड़े मन से बनाया अगले ने। अब हम बात करते हैं तीसरे बेडरूम में, तीसरे बेडरूम में आ जाएंगे तो ये आपका, सबसे पहले हम इसी में चले जाते हैं बालकनी में। ये इधर ही इसकी बालकनी रहने वाली है, बालकनी में जो है वो एक वाटर टैप दिया गया है, वाटर टेप के साथ में जो है वो आपको पावर पॉइंट दिया गया है, जिसमें आप अगर कूलर असेंबल करना चाहें या फिर आपका एसी का आउटर है उसके लिए भी पाइप निकाल के छोड़ी हुई है, एसी का आउटर भी इधर आ सकता है, आपका ये भी आ सकता है, कूलर वगैरह भी आ सकता है। ये इसकी बिल्डिंग की जो है वो दोनों बिल्डिंग के बीच का एरिया है, जिसको पार्किंग एरिया कह सकते हैं। नीचे आपको देख ही रहे होंगे मार्बल वगैरह लगा हुआ है, ये इधर आप देख भी रहेंगे, बिल्कुल पार्किंग एरिया में आपको वाटर टैंक भी नज़र आएगा, 50,000 लीटर की क्षमता वाला ये वाटर टैंक है। वापस आते हैं रूम की तरफ, ये रूम में आप जो पहले रूम में अपन ने वार्डरोब देखा था उससे कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ये वार्डरोब रहने वाला है, अच्छा बनाया हुआ है, दोनों तरफ सरमाइका का काम किया गया है। इनके अंदर ड्रावर दिए गए हैं, दो दो ड्रावर दिए गए हैं, जिसमें महिलाएं अपने प्रसाधन की सामग्री, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कई बार चूड़ी वगैरह रखने में असुविधा होती है तो बैंगल बॉक्स वगैरह वहां पे रखा जा सकता है। फिर से आते हैं अपन लिविंग रूम की तरफ, अब हम बात करते हैं चौथे बेडरूम में, यह है अपना चौथा बेडरूम। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके 13 फीट के आसपास की लेंथ के रूम है, 13 बाई 10 के रूम है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट साइज़ के माने जाते हैं। ये इसके अंदर वार्डरोब है, एक बार ये देखो आप, मतलब सनमाइका देखो, कलर जो है सनमाइका का कलर देखते हैं, मतलब इस प्रकार के कलर खूब सारे मिल जाते हैं, लेकिन आप एक बार कलर गौर से देखेंगे तो आपको लगता ही नहीं है, बिल्कुल अटपटा लग नहीं लगता है। फर्नीचर में क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट जरूरी होता है, मस्ट होता है भाई, क्योंकि कलर अगर अच्छा नहीं है फर्नीचर का, चुप आपने कितने पैसे लगा दिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अगर अच्छा है, सोबर है, एक तो क्या होता है तो बहुत ज़्यादा तड़कीला बड़कीला हो जाए या फिर एक बहुत सिंपल हो जाए, ये ऐसा है वुडन टच में ये सनमाइका बहुत शानदार ऐसे, मतलब आँख में चुभती नहीं है ये। और इसके बाद में हम आएंगे तो फिर से आपका लिविंग रूम आ जाएगा, जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया है, और इसी के साथ में हमने 4BHK की विजिट की है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 3BHK और 4BHK की विजिट करवाई है, और अगर 3BHK के बारे में आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी ज़्यादा किसी प्रकार के आपका सजेशन हो कि हमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी
देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि हमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी देखनी है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी आपके आपको दिखाएं। और इतना ही नहीं, देखिए हम प्रॉपर्टी जो है वो आपको इसी प्रकार की दिखाते हैं। हम अपनी तरफ से कोई किसी प्रकार का आर्टिफिशियल नहीं लगाते या फिर हम किसी पार्टी से संबंधित ऐसा नहीं करते कि आप ऐसा दिखा दें कुछ और बनते। जो आपको मिलने वाला है, जो मैंने आपको अभी 3 BHK और 4 BHK बना के दिखा जो विजिट करवाई है, वो सेम टू सेम आपको मिलने वाला है। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आपको दिखा दिया कुछ है, आप ले कुछ और रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आपने प्रॉपर्टी देखी है, इसकी कॉस्ट रहने वाली है, रेट रहने वाली है 50 लाख रुपए। और प्रॉपर्टी से संबंधित, ख़रीदने से संबंधित अगर आप बात करना चाहें तो आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, फ़ोन डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा संबंधित कोई ज़्यादा आपको जानकारी लेनी हो तो आप फ़ोन पे ले सकते हैं। और अगली वीडियो तक नमस्कार।